हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक डिज़ाइन बताना बताऊंगी। आप इसे आस्तीन पे या दामन पे कहीं भी लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग वाला बुकरम लिया है। इसकी चौड़ाई लगभग 4 इंच है, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें मैंने 3 इंच पे दोनों तरफ निशान लगा लिया है, बीच का हिस्सा 3 इंच छोड़कर, और इस तरह से दोनों तरफ लाइनें खींच लेंगे। अब ये 3 इंच के हिस्से में बीच में निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, तो इसके सेंटर पे निशान लग जाएंगे। और यहाँ पर हम एक इन निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे, तो इसके दोनों हिस्से 1.5 इंच के होंगे। अब मैंने एक ये वो लिया है कार्डबोर्ड का टुकड़ा, इसकी लंबाई 2 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच है। इसमें 2 इंच वाले हिस्से पर हम इसको 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से कोने से मिलाते हुए ट्रायंगल बना लेंगे और इसको कट करके ट्रायंगल का शेप दे देंगे। अब इससे हम यहाँ पर जो हमने लाइनें खींची थी, इन पर हम ट्रायंगल का निशान ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से रखते हुए साथ साथ मिलाकर, बीच वाली लाइन पे रख रख कर इनको ड्रॉ करते जाएंगे। अब ये जो ट्रायंगल ड्रा हुए हैं, इनके बीच वाले हिस्से पे यानी कि 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसके सेंटर पे आना चाहिए ट्रायंगल के, और इस निशान से मिलाते हुए हम नीचे वाली लाइन पर ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। और अब ये बीच का एक्स्ट्रा बुकरम काट के निकाल देंगे। ये दोनों तरफ से हमें काट के निकालना है। ये एक तरफ का एक्स्ट्रा बुकरम मैंने कट कर दिया है। अब ये नीचे वाली साइड से भी इसको एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। तो ये डिज़ाइन इस तरह से बन गया है। अब इसको एक कपड़े पर, ये पेस्टिंग वाला बुकरम है तो इसको एक कपड़े पर मैंने चिपका लिया है, और कपड़ा इतना बड़ा लिया है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में बाहर आधा आधा इंच के लगभग बाहर कपड़ा निकलता रहे। और एक उसी के बराबर दूसरा कपड़ा भी लिया है, उसको इसके नीचे रख कर उसके साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। आलपिन लगा के सेट कर लिया है ताकि ये हिले नहीं, और यहाँ पर इस तरह सिलाई लगाना है। ये बुकरम के बिल्कुल किनारे पे से साथ साथ सिलाई लगाना है। ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर टांका ना चढ़े। तो इस तरह ये इस तरफ का ये सिलाई मैंने पूरी लगा ली है, और ये आलपिन मैं हटा दिए हैं। अब इसमें जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। और ये बीच वाले हिस्से पे हम कट्स लगा देंगे ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी हो जाए। ये कट्स लगाना ज़रूरी है। अब इनको ट्रायंगल्स को हम पलटा लेंगे और किसी नुकीली चीज़ की मदद से इनके कोनों को बाहर कर लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ।
इस तरह से इनके कोनों को बाहर निकाल लेंगे। और ये पीछे वाला जो कपड़ा था उसको इस तरह से कट करना है हमें, किनारी से छोड़ते हुए थोड़ा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उनको इस तरह शेप में ट्रायंगल के साथ साथ कट करना है। तो ये कट कर लिया है मैंने, अभी मैं इसको स्लीव पर अटैच करूँगी। तो ये स्लीव्स का मैंने उल्टा वाला हिस्सा रखा है और उस पर ये डिज़ाइन रखा है और डिज़ाइन को भी उल्टा करके रखा हुआ है। और उसको आलपिन से सेट कर लेंगे ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। और इस तरह से इसमें यहाँ सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ भी हमको ध्यान रखना है कि सिलाई बुकरम के ऊपर ना चढ़े, सिर्फ फैब्रिक पर ही रहे, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे से। तो ये मैंने इसको अटैच कर दिया है और अब इसके बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। और यहाँ भी ट्रायंगल के जो कोने हैं उन पे हम कट्स लगा देंगे और ये ऊपर वाले कोने कट कर देंगे, सिलाई ना कटे ये ध्यान रखना है। अब इनको हम पलटा देंगे तो ये पलट कर आस्तीन के सीधी साइड चले जाएंगे। और इसी तरह से इनके कोनों को हम बारीक सुई या ऑलपिन की मदद से बाहर निकाल लेंगे, बिल्कुल उनको फिनिशिंग से सेट कर देंगे। अब ये डिज़ाइन आस्तीन के सीधी साइड हो आ गया है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिख रहा है इसको अंदर की तरफ हम बिल्कुल दबा देंगे और यहाँ चाहे तो पहले प्रेस करके सेट कर लें या ऐसे ही कर दें और फिर इसको यहाँ सिलाई लगा कर इनको अटैच कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से फाइनल तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।